Today is the 6th International Yoga Day, and there could not be a better way to mark the day than have the Ayush Minister answering questions with Yogi Ashwini. Let me introduce our very special guest today. The Union Minister of State, Independent Judge in the Ministry of Ayush and the Minister of State for Defense in the Indian Government, Mr. Shripad Yesho Nayak. और समय ना लेते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय मंत्री जी, आजकल हम नित नए योग टेक्निक्स के बारे में सुनते हैं। योगा होता क्या है? योग अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। जैसे आयुर्वेदा में औषधीय और रसायनों का प्रयोग शरीर की व्याधियों को दूर रखने के लिए और उपचार के लिए किया जाता है, उसी प्रकार योग के अनुशासन, आसन, प्राणायाम आदि शरीर की व्याधियों का निवारण करते हैं और उसे दुर्बलता और लो इम्यूनिटी से बचाते हैं। ये तो हुई साधारण योग प्रक्रिया। हमारे देश में ऋषि मुनि हजारों साल से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उत्थान के लिए योग का अभ्यास करते हैं। योग से उन्होंने सिद्धियों की भी प्राप्ति की है। तो योग एक साइंस है जो शरीर, मन और आत्मा के विकास का साधन है। मंत्री जी ने बहुत सुंदर रूप में समझाया कि योग एक साइंस है। योगी जी, आपका इस विषय में क्या विचार है? मंत्री जी, आपने अभी योग के बारे में पूछा तो अभी नायक साहब ने, माननीय मिनिस्टर, आपके प्रश्न को एक सही दिशा दी, एक उत्तर ऐसा दिया जो अपने में परिपूर्ण है। वो सब कुछ दर्शाता है योग क्या होता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं और एडिशन कर देता हूं। पतंजलि जो योग सूत्र है वो लगभग 4,500 साल पहले इस धरती को दिए गए। लगभग 1,200 या 1,500 साल पहले ये शिव संहिता, घेरंड संहिता, आठवें प्रादीपिका, ये सब आए। मत्स्येंद्रनाथ ने शुरू किए, आगे गोरखनाथ को दिए। ये तरह तरह की प्रक्रियाएं दी गई। ये तो होगी बात द्वापर और कलयुग की। उससे पहले के युगों में जो योग था वो ज्ञान हुआ करता था। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है योग हो वो करता था। गुरु शिष्य के रिश्ते से आत्मा जो है वो पल भर में योग की स्थिति पे पहुंच जाती है। योग शब्द का अर्थ होता है आप जुड़े। किससे जुड़े? स्वयं से जुड़े। योग शब्द का अर्थ नहीं होता किसी और से जुड़े। योग शब्द का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार, स्वयं से जुड़ना। जैसे मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि शरीर जो है वो स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है, फिर आगे सिद्धियां आती हैं। तो इसमें ये मत भूलो कि जो आपकी व्हीकल है, जैसे उन्होंने भी बताया, वो क्या है? वो आपका ये शरीर है। तो योग पहले समय में भी ज्ञान से शरीर को स्वस्थ रखा जाता था। पतंजलि अष्टांग योग आया, उसके बाद जो हठ योग आया, और उसके बाद जो घेरंड संहिता में है, शिव संहिता में, बाकी सारे वो टेक्स्ट हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं योग के, सब में पहले बताया गया किस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखा जाए। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है शरीर को स्वस्थ रखने की वो बदलती गई, मगर योग का जो अर्थ है वो वही रहा। योग का अर्थ नहीं बदला। योग का अर्थ जुड़ना, आत्म साक्षात्कार। देखो ऐसे इसको समझो, एक कटोरा पड़ा हुआ है यहां पानी का, उसमें आपने एक सिक्का डाल दिया। अब जब आप उस सिक्के की तरफ देखते हो तो आपको सिक्का दिखता है। पानी को आप हिलाओ जोर जोर से, हलचल पैदा करो, आपको सिक्का नहीं दिखेगा। तो जो हलचल है पानी की, ये सब क्या है? ये संसार है, ये आपका जीवन है जो सारा वक्त क्रियाशील है, हलचल में है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी पोजीशन के पीछे, कभी रिलेशनशिप्स के पीछे। आपका पूरा जीवन जो है वो ये सब ढूंढने में ही निकल जाता है। तो वो उस हलचल में इंसान जो होता है वो स्वयं को भूल जाता है। तो जब इंसान स्वयं को भूल जाता है तो फिर क्या होता है? वो
माया में फंस जाता है, मिथ्या में फंस जाता है। मिथ्या रूपी जो सारा आपके आसपास जो दिख रहा है आपको, ये मिथ्या रूपी संसार ही है, अनरियल है, क्योंकि इसका स्वरूप निरंतर बदल रहा है। कई दफा लोग मेरे से बोलते हैं, इसको आप अनरियल क्यों कहते हो, ये तो है, हमारे लिए है, सामने दिख रहा है, हमारे को दिख तो रहा है, मगर इसका जो स्वरूप है वो निरंतर बदलता जा रहा है। देखो याद है तुम जब पहले वनमीत आई थी मेरे पास, छोटी सी बच्ची थी 10-11 साल की, अभी तुम देखो बड़ी हो गई हो। तो अब वो मनमीत थी कि ये मनमीत है, स्वरूप बदल रहा है, स्वरूप निरंतर बदल रहा है। तो मेडिकल साइंस बोलती है हर 7 वर्ष में आपका जो शरीर होता है उसका हर सेल एक दफा मर के दोबारा जन्म लेता है, और वो होता है एजिंग प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब शरीर भी निरंतर बदल रहा है, आपके आसपास सब कुछ निरंतर बदल रहा है, तो सत्य क्या है? सत्य तो हो नहीं सकता, जो चीज बदल जाए वो सत्य तो है नहीं, वो तो असत्य है, मिथ्या ही है। तो शरीर का इस्तेमाल किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। जब योग में आगे बढ़ते हैं तो सिद्धियां मिलती हैं, जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि वाक शक्ति होती है, एक वो सिद्धि होती है, क्लियरवॉइस क्लियरऑडियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, दृष्टि होती है, दृष्टि की सिद्धि होती है। तो ये सिद्धियां जब मिलती हैं तो इसमें पतंजलि हमें फिर आगाह करते हैं कि जब एक योगी को सिद्धि मिलती है तो उसको उसमें फंस के नहीं रहना, उसको सिद्धि प्राप्त करती है उस सिद्धि को छोड़ना, क्योंकि जो योग का प्रथम चरण है, योग का ध्येय है, वो है अंतिम चरण तक पहुंचना, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा का साक्षात्कार। अगर अलग शब्दों में कहें तो परमपिता ईश्वर का साक्षात्कार, वो साक्षात्कार ही योग है। शरीर को एक व्हीकल समझो, एक गाड़ी जिसमें बैठ के जाना है। ज्यादातर ये हो रहा है कि शरीर को समझा जा रहा है कि यही प्रथम चरण है, मगर आयुष मिनिस्ट्री काफी कोशिश कर रही है, जिस तरह से योग सिखा रहे हैं देख के अच्छा लगता है कि वैसे ही उसको स्थिरता से, शक्ति से परिपूर्ण होकर अपने अंदर योग करा जा रहा है, धीमी गति से करा जा रहा है, देख के अच्छा लगता है। योग की सही परिभाषा ये होती है, जैसे अभी मिनिस्टर साहब हमको सिखा रहे हैं योग दिवस पर, जैसे हो रहा है सारे विश्व में हो रहा है, वो जो हलचल 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 सब है वो नहीं है इसमें, इस शैली में अगर तुम इसको देखोगे तो। इसमें क्या है? इसमें शांति है, स्थिरता है। तो वो शरीर जब शांत और स्थिर होगा तब सिद्धि प्राप्त होगी, कुंडलिनी उठेगी ऊपर की तरफ, और जब कुंडलिनी उठेगी, सिद्धि प्राप्त होगी, तब उसके बाद वो सिद्धि जब छोड़ोगे तो वो त्याग होगा। योग में कहते हैं कि योग करके, सिद्धियां प्राप्त करके फिर उनका त्याग करना पड़ता है आगे जाने के लिए। जैसे आगे बढ़ने के लिए सर्विस चैरिटी करनी पड़ती है, जो ध्यान फाउंडेशन पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। क्यों कर रही है? कि वो इनकी तरफ से त्याग है। हमने गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए एक त्याग किया, हमने अपनी कमाई हुई मेहनत में उनको कुछ दिया। तो अगर हम वो देंगे, अगर हम वो देने की क्षमता रखते हैं तो ही हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं जा सकते, हम जितना मर्जी उछल कूद करते रहें। आगे जाना तभी संभव है जब हम त्याग करेंगे। तो निम्न स्तर पर हम सर्विस चैरिटी करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जानवरों की पीड़ा हटाते हैं, और उच्च स्तर पर जब सिद्धियां मिलती हैं उसके बाद हम उन सिद्धियों का त्याग करते हैं। तो अगर त्याग करने की क्षमता है तो ही योग कर सकते हो, त्याग करने की क्षमता नहीं है तो वही रहेगा। जैसे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, उसको रोज चमकाते हो, पॉलिश करते हो, उसकी अपहोल्स्ट्री चेंज करते हो, मगर वो गाड़ी जो है वो चलाते नहीं हो। योग होता है उस गाड़ी को चला के अंतिम चरण तक पहुंचना, आत्म साक्षात्कार। योग की सिद्धियां क्या होती हैं? आपकी मिनिस्ट्री में या गुरुजनों में कोई ऐसे हैं जिन्हें सिद्धियों की उपलब्धि हो? सिद्धियां वर्षों की तपस्या और अनुशासन से प्राप्त की जाती है। जब गुरु आपको योग का अनुशासन देते हैं और शिष्य उसे पूरी निष्ठा से साधता है,
तो उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि कई प्रकार की होती है, मंत्र या वाक शक्ति, जिसने आप जो बोले वह सच होता है या मंत्र फलित होता है। तंत्र सिद्धि, जिसने आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाए। और कुछ आयुर्वेदा आचार्यों ने सबके सामने पारद से सोना बनाने की प्रक्रिया का उदाहरण दिया है, वो भी एक प्रकार की सिद्धि ही है। योगी जन अपने सिद्धियों से शरीर के विकारों के बारे में जान लेते हैं। ऐसा ही कुछ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में ध्यान फाउंडेशन ने भी प्रमाण दिया है। धन्यवाद मंत्री जी। योगी जी, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि सिद्धियां वर्षों के तप से प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां होती क्या हैं? देखिए, हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि योग जो होता है, समझना भी आवश्यक है, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। जैसा भी मिनिस्टर साहब ने बताया कि सिद्धियां योग में होती हैं, जैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि अभी आपके ध्यान फाउंडेशन ने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, जिसमें बड़ा क्लियर डिस्प्ले था सिद्धि का। सिद्धियां होती हैं योग में। जैसे हम बोलेंगे योग क्या होता है, जो योग मैं समझता हूं वो होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और यम होता है सत्य अस्तय अपरिग्रह अहिंसा ब्रह्मचर्या यमा। नियम होते हैं शौच संतोष स्वाध्याय तपस ईश्वर प्राणिधान नियम। तो सुनने में कॉम्प्लिकेट लगता है, मगर इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं, क्योंकि योग की पहली जो तीन सिद्धियां होती हैं वो यम और नियम में स्थित होती हैं। उनको हम यम और नियमों को हम एक आत्मा का शुद्धिकरण भी बोलते हैं। जब तपस करते हैं, जब ईश्वर प्राणिधान करते हैं, जब हम शौच करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो क्या होता है, एक आत्मचिंतन होता है, अंदर और बाहर एक तरह की सफाई होती है, क्लीनिंग। देखो, आपका शरीर केवल ये शरीर नहीं है। जैसे पतंजलि ने 8 अंगों का योग दिया, वैसे शरीर में से कहते हैं अन्नमय कोश, इसके आगे प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो हर कोश जो होता है आपके एक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ होता है, आपके एक एस्पेक्ट से लिंक्ड होता है। जैसे हमने अगर बात करी बेसिक क्लिनलीनेस की, संतोष कहते हैं सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन जो होती है वो प्राणमय कोश को क्लीन करती है, ब्रह्मचर्या अन्नमय कोश को क्लीन करती है, सत्य सदैव सत्य बोलना सच बोलना जो होता है वो आपके प्राणमय कोश को क्लीन करता है, तपस तप जो होता है वो आपके अंदर से लेके बाहर तक सारे कोशों में एक वाइब्रेशन सी भेजता है, एक हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो इंप्योरिटी होती है आपके अंदर वो सारी इंप्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है उस गर्मी से, तप की गर्मी से। तप तपह शब्द का अर्थ ये होता है, तपता हुआ गर्म। तो सिद्धियां जो योग की होती हैं, पहली तीन से वाक शक्ति कहते हैं, क्लियर वंस कहते हैं, क्लियर ऑडियंस कहते हैं, एनिमा लेगीमा जो मैंने बोला, और शरीर को छोटा बड़ा करना। खैर, वहां तक अभी तो मैं नहीं पहुंचा यहां तक कि शरीर को छोटा बड़ा कैसे करते हैं। और जैसा भी मिनिस्टर साहब ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दी, क्लियर वॉइस और क्लियर ऑडियंस में, बड़ी क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन थी, बहुत सारे डॉक्टर्स विटनेस थे उसके, तो वो तो प्रूवन है एक फैक्ट कि सिद्धियां होती हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट की बात अब रहनी नहीं चाहिए कि ये सिद्धियां होती हैं। मगर ये सिद्धियां यम और नियम में होती हैं, जो सत्य अस्तय अपरिग्रह अहिंसा ब्रह्मचर्या यम, इन 5 यम का पालन करेगा उसमें स्वतः ही ये सिद्धियां आ जाएंगी, और उसे अपने आप औरत दिखनी शुरू हो जाएगी, उसे अपने आप सुनना शुरू हो जाएगा, उसे अपने आप
ये सिद्धियों की प्राप्ति होगी। बहुत ही बेसिक होती हैं ये, मगर ये प्राप्त करने के बाद छोड़ देनी होती है, जैसे मैंने बताया। You have to leave them once you get them. क्योंकि त्याग, समर्पण, ईश्वर समर्पण जैसे हम लोग बोलते हैं, ईश्वर समर्पण, जो चीज हमारे पास है उसको ईश्वर को समर्पित करना है। जैसे पहले चार आश्रम बताते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें हर आश्रम से बढ़ के पहले वाले आश्रम को ईश्वर को समर्पित कर देते थे, वो छोड़ देते थे। वैसे ही सिद्धियों को भी छोड़ना है, क्योंकि जब कुछ चीज छोड़ते हैं तब कुछ और मिलता है। अगर पकड़ के बैठे रहो, जैसे तुम ये कुर्सी पर बैठी हो, यो पकड़ के, अगर कुर्सी को नहीं छोड़ोगी इसको, तो आगे कैसे जाओगी, आगे कैसे बढ़ोगी? सोचने का विषय है ना, गंभीर विषय है। तो कुर्सी छोड़े बिना दूसरी कुर्सी थोड़ी मिलेगी, और हर इंसान हमेशा वो चीज छोड़ता है जो अब उसके लिए कम इंपॉर्टेंट है। मतलब और कोई बढ़िया चीज मिलती है तब छोटी चीज छूटती है। तो ये जो त्याग है, जो बलिदान है, ये अत्यंत आवश्यक है सिद्धियों के लिए। और आसनों में जब इंसान जाता है तो आसन में क्या होता है, फिर शरीर की सिद्धियां होती है, वो शरीर में जो शक्ति आती है, इसको फिजिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो आभा होती है, जो ग्लो होती है शरीर की, जो इंद्रियां जो होती हैं उस पर संयम होता है। तो इंद्रियां हमेशा जागृत रहती है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए, और इंसान शरीर को पूरी होशो हवास में छोड़ता है। तो ये सारी बेसिक सिद्धियां होती हैं, मगर ये सब सिद्धियां छोड़ने के लिए होती हैं, ये पाने के लिए नहीं होती हैं। ये पाना ही छोड़ने के लिए होता है, क्योंकि योग का अंतिम चरण आत्म साक्षात्कार है, आत्मा से साक्षात्कार। आत्मा से साक्षात्कार ऐसे कैसे कर लोगे अगर ये छोड़ोगे ही नहीं? तो आगे कैसे बढ़ोगे अगर इस कुर्सी से उठोगे ही नहीं? तो देखो, तुम बैठ के कुछ भी सोचते रहो, बैठ के कुछ भी सोचते रहो, मगर होगा वो जो सही है, जो प्रोसेस है। तो यहां से वहां जाने का प्रोसेस है, पहले ये छोड़ो तब आगे जाओगे, नहीं तो नहीं। ये होती है सिद्धि, और ये होता है पर्पस सिद्धि का। क्या योगा एक साइंस है? अगर हाँ तो फिर हम एक्सरसाइज ही क्यों नहीं करें? अगर नहीं तो फिर इसे एक्सरसाइज की तरह क्यों कराया जाता है? योग एक्सरसाइज नहीं है। योगासन देखने में एक्सरसाइज लगते हैं, लेकिन उनका शरीर पे प्रभाव बहुत अलग होता है। आसन धीरे धीरे सहजता से किए जाते हैं, और आसनों का प्रभाव आपके शरीर की हर परत पे होता है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, जॉइंट्स और इंटरनल ऑर्गन्स। तो आसन सिर्फ शरीर को पतला या मोटा करने के लिए नहीं होते, वे शरीर के ऑर्गन्स को भी प्रभावित करते हैं। साथ साथ प्राणायाम की क्रिया भी आपके मेंटल और फिजिकल बैलेंस को बनाए रखती है, तथा आपके स्ट्रेस लेवल को भी रेगुलेट करती है। आसन को एक्सरसाइज की तरह करना एक नया प्रचलन है। असल में आसन सहजता से ही किए जाते हैं। मंत्री जी ने बताया कि आसन सहजता से किए जाते हैं। योगी जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि यदि योग एक्सरसाइज नहीं है तो उसे एक्सरसाइज के रूप क्यों दिया जाता है? एक्सरसाइज जो होती है ये एक नई चीज है। जैसे कि कुछ कंपनी है जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचती है, उन्होंने नए नए तरीके से पिलाटे हो गया, ये अलग अलग तरह तरह की एक्सरसाइजेज जो नई नई निकाल दी हैं, एरोबिक्स हो गया। इसमें एक चीज नोटिस करो तुम कि इन सब चीजों में कुछ समय के बाद ये लोग बदलाव डाल देते हैं। कहते हैं, नहीं नहीं ये ऐसे करने से ना थोड़ी गड़बड़ है, इसमें नीज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, अब इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे। फिर वो नए कोर्सेस शुरू कर देते हैं नई चीज सिखाने में। अरे भाई, तब तक तो बाकियों का डैमेज हो चुका होता है ना। वो एरोबिक्स में कूद कूद के किसी घुटने खराब हो जाते हैं, और हमारे पास ऐसे कितने केस आते हैं जो गलत योगा देख देख के उछल कूद कर करके बंदरों की तरह से जो अपनी रीढ़ की हड्डी खराब कर लेते हैं, जबरदस्ती जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार करके रीढ़ की हड्डी खराब कर लेते हैं, और फिर ठीक करने आते हैं ये, अब इसको कैसे ठीक करें। ये जो गलत धारणाएं हैं योग के बारे में,
अब योग दिवस पे सरकार जो है वो कोशिश कर रही है सही चीज दिखाने की, सिखाने की, कि धीमे धीमे शांत स्वभाव से कैसे किया जाता है, और योग को आगे के बारे में बताया जा रहा है, योग के बारे में आगे का बताया जा रहा है, योग से ये होता है। मिनिस्टर साहब ने अभी आपको इतना कुछ बताया। एक्सरसाइज जो होती है वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज करती है। अब डॉक्टर्स कहेंगे मेटाबॉलिज्म तेज करना तो अच्छी बात है, मगर नहीं, समझो आपका शरीर है वो सेल्स पे बेस्ड है, छोटे छोटे सेल्स हैं उसके अंदर, और हर सेल हर क्षण मर रहा है। रिसर्चेस बोलती हैं कि 7 वर्ष में इंसान का पूरा शरीर बदल जाता है, हर सेल मर के उसकी जगह नया सेल पैदा हो जाता है। ये प्रोसेस है एजिंग का। तो सनातन क्रिया में इसको ध्यान फाउंडेशन ने अच्छी तरह से सिखाया है, बताया है, एग्जाम्पल्स दे के बताया है, प्रैक्टिकली बताया समझाया है कि ये सब क्या होता है। सेल समझ लो एक बैटरी है छोटी सी आपके शरीर के अंदर। एक्सरसाइज करोगे तो तेज तेज सांस है, जैसे कई तरह के प्राणायाम बोलते हैं, ऐसे करो। ये देखो कि जो जीव लंबा सांस और धीमा सांस लेता है उसकी आयु ज्यादा होती है, जो जीव तेज तेज सांस लेता है उसकी आयु कम होती है। कछुआ 1 मिनट में एक बार सांस लेता है उसकी आयु कई 100 वर्ष होती है। कुत्ता जो होता है वो 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है उसकी आयु जो होती है वो 12 या 14 साल होती है। इंसान जो है वो 1 मिनट में औसतन उसको 7 बार सांस लेना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखो आप लोग, मुझे बताना क्या हुआ। आपका 1 मिनट में श्वास और प्रश्वास की क्रिया जो है, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, कितनी बार होता है? अगर 6 बार है, 7 बार है, यू हेल्दी एंड फाइन, आपके शरीर में कोई विकार नहीं है। अगर 10 या 12 बार है, आपका शरीर जो है वो वृद्धावस्था की तरफ, एजिंग की तरफ जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है। अगर 20 है, यू आर इन फॉर ट्रबल। तो ये तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा है ना। तो नेचर बोलता है कि जो धीमे धीमे है वो ज्यादा लंबा है, जो तेज तेज है वो और छोटा है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो और जोर से उसका दबा दो एक्सीलेटर, तो 1 लीटर में जहां आपको 12 किलोमीटर मिलना है, वहां 1 लीटर में आपको 6 किलोमीटर मिलेगा। यही प्रोसेस है आपके सेल का। अगर एक्सरसाइज करके तेज 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 उसमें प्रेशर डालोगे, प्रेशर डालोगे, प्रेशर डालोगे सेल पे, तो क्या होगा, वो एक समय तो आपको अच्छी फीलिंग देगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी में, एनर्जी रिलीज होगी। बट ये मत भूलो, एवरी एक्शन हैज गॉट एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्या हुआ? कैरोजन। आम जो आयुर्वेद में बोलते हैं शरीर के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो कैरोजन जो होती है आमा जो शरीर में प्रोड्यूस होता है वो फिर आपके शरीर को ब्लॉक कर देता है, जैम कर देता है, और आपका शरीर जो है स्ट्रगल करता है, फाइट करता है, और वृद्धावस्था की तरफ आपको लेके जाता है। जैसे आप तेज 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 अगर भाग रहे हैं, बहुत चल कूद रहे हैं, तो आपके नीज के जो जॉइंट होते हैं, ऐसा जॉइंट होता है हमारे नी के अंदर, तो ऐसे 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 मूव करता है, इसके बीच में कार्टिलेज होता है और एक फ्लूड होता है। तो इतना तेज तेज रगड़ेंगे, जो मशीन का प्रिंसिपल होता है कि जितनी जल्दी फ्रिक्शन, जितनी तेज फ्रिक्शन होगी उसके अंदर, उतनी जल्दी उसके पार्ट्स वेयर आउट करेंगे। वैसे तेज 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 करने से क्या होता है, पार्ट वेयर आउट कर जाता है, तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाता है, फ्लूइड खत्म हो जाता है और रिकवरी नहीं होती उसकी। फिर नी रिप्लेसमेंट्स, स्पाइनल सर्जरी, तो इस सब फिर कहानियां उसके बाद शुरू हो जाती है। तो अगर उस सेल को हम कंजर्व करेंगे, बॉडी को एफिशिएंट बनाएंगे, जो सनातन क्रिया सिखाती है, सनातन क्रिया में यही सिखाया गया है, शरीर गति को धीमा करें, शरीर में शक्ति लेके आए, मेक द बॉडी मोर एफिशिएंट नॉट फास्ट। आपका शरीर जो है उसको आपको और एफिशिएंट बनाना है, ताकि वो 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी जो है आप धीमी धीमे चलाओ तो उसको 15 किलोमीटर भी खींच लोगे, 16 भी खींच लोगे। ये तो रिसर्चेस हैं। तो 1 लीटर फ्यूल मतलब आपके सेल का, बैटरी का इतना चार्ज मिलेगा तो आपको उतना ही। अब उससे आप कितना खींचते हो वो आपके ऊपर है।
तभी कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों को शांत करना। पतंजलि ऋषि बोल के पांच तरह की वृत्तियां होती हैं, 5 मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, 5 तरीके से माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो अपने। खैर वो योग सूत्रों पे लेक्चर हो जाएगा, अभी नहीं, वो फिर कभी करेंगे। मगर जो आपका माइंड है, अगर आप उसको जल्दी जल्दी हर जगह घुमाओगे फिराओगे तो सेल में उतनी जल्दी जल्दी एक्टिविटी होगी, एजिंग होगी। कभी हॉस्पिटल में जाके देखो, जो इंसान बीमार होता है, मरने की तरफ होता है, उसका श्वास तेज तेज चल रहा होता है। तो ये तेज तेज श्वास क्रियाएं जो होती हैं, ये ऐसे नहीं करी जाती, क्योंकि आप बॉडी को एफिशिएंट नहीं बना रहे, आप उस सेल पे प्रेशर डाल के उसको और एजिंग की तरफ लेके जा रहे हो। ये तो साइंस है। तभी हमारे ऋषियों ने जो आसन भी है, उस आसन को क्या बोला, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर है, उसमें सुख है, वो आसन है। उछलना कूदना बंदर का काम होता है, इंसान का काम नहीं होता है। अब योग दिवस में आप देखो कितनी सुंदर शैली से आसन कराए जाते हैं, कितनी शांति से, सुख से, स्थिरता से आसन कराए जाते हैं, और बंदरों को देखो उछल कूद रहे होते हैं। तो फर्क यह होता है इंसान और बंदर में। बंदर समझता है अगर मैं भागूंगा तो पतला होऊंगा, इंसान जानता है उसको अपनी बुद्धि का स्तर बनाना है, उसको अपनी कॉन्शियसनेस का स्तर बनाना है। जब कॉन्शियसनेस का स्तर बढ़ता है तो वहां से इस शरीर में आप कुछ भी चेंज ला सकते हो। यही फिलॉसफी होती है कर्सेस, तो श्राप बोलते हैं, और ब्लेसिंग्स जिनको वरदान बोलते हैं, उसके पीछे कि किसी गुरु ने कह दिया तो उसने एक ऐसे हाई डायमेंशन से कहा, वो आपके शरीर में मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। वैसे शराब दे दिया तो आपको वो शरीर में मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। वो एक ऊंची लेवल से, फ्रॉम अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सूक्ष्मता से स्थूल की तरफ एनर्जी चैनलाइज की जाती है, रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है। आपको नीचे से ऊपर धीमे धीमे उठना होता है, ऊपर से नीचे कुछ भी फेंकना बड़ा आसान होता है, ये मत भूलना इस फिलॉसफी को। तो ये जो होता है एक्सरसाइज और आसन में ये फर्क होता है। आसन धीमे से किए जाते हैं, प्राणायाम लंबे से धीमे से किए जाते हैं, शरीर की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, गाड़ी ठीक रहे आपकी, तभी तो आपको लेके जाएगी। पर्पस फिर वही है, यहां से बाहर लेके जाना। मंत्र साधना क्या होता है? आपकी मिनिस्ट्री या गुरुजनों में क्या कोई मंत्र साधना करते हैं, कोई ऐसे जिन्हें आपने सर्टिफाई किया हो? मंत्र एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि है, जिसके उच्चारण से वातावरण और अंतर्मन उनकी शुद्धि होती है और देवलोक तक हमारी प्रार्थना पहुंचती है। हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के मंत्र दिए गए हैं और हर मंत्र किसी देव या देवी को दर्शाता है और उसकी शक्ति या ऊर्जा का प्रसार करता है। मंत्र विद्या एक सिद्ध विद्या है जो अनादि काल से गुरु शिष्य को देते आए हैं। इसमें उच्चारण का विशेष महत्व है। मंत्र कैसे बोला जाता है ये जानना आवश्यक है। ध्यान फाउंडेशन, उसमें मैंने सबसे अच्छा मंत्रों का उच्चारण सुना है। योगी अश्विनी जी यहाँ है और वे हमें वैदिक मंत्र उच्चारण का सही उदाहरण अभी दे सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। योगी जी, अब आप ही हमें मंत्रों का ज्ञान दें। मंत्र साधना होती क्या है? आज मिनिस्टर साहब ने एकदम जो बात बोली से ठीक बात बोली, और ये अपने अनुभव से बोल रहे हैं। ये अभी जब थे आश्रम में तो उन्होंने वहां पे यज्ञ में ये बैठे थे, इन्होंने वहां मंत्र उच्चारण सुने थे, सबके प्रभाव पड़ा था काफी, इनको बड़ा अच्छा लगा था मंत्र सुन के। देखो मंत्र साधना क्या होती, शब्द है साधना। तो एक देव का शरीर होता है वो उस मंत्र के अंदर होता है। मंत्र में तीन चीजें जो हैं वो होती हैं, उसकी शक्ति, उसका बीज और उसकी कील। ये तीन शब्द इसमें होते हैं, शक्ति, बीज और कील। जैसे श्री महामृत्युंजय मंत्र है तो उसमें क्या है, हुम झुम सा सा झुम हुम, सारा मंत्र आ गया। शक्ति आ गई उसकी,
उसका बीज जहां से मंत्र फलित होता है वो आगे, और कील, कील शब्द अत्यंत आवश्यक है। जो गुरु होते हैं जब वो मंत्र साधना करते हैं, जब वो मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो उस मंत्र को बांध देते हैं, उसमें कील लगा देते हैं, बोलते हैं क्या, क्योंकि मंत्र अगर ऐसे ही करे जाए तो उसका प्रभाव बहुत बहुत एक भीषण होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो उनको रोकना अत्यंत आवश्यक होता है। एक पर्पस के लिए डायरेक्ट किया जाता है मंत्र को, उसी एक मंत्र से बहुत कुछ हो सकता है, मगर एक मंत्र को पर्पस के लिए डायरेक्ट किया जाता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, वो मंत्र को शक्ति, बीज और फिर कील से बांध देते हैं। कितनी शक्ति, कैसा बीज और ये कहां तक जाएगा, ये पेड़ मतलब कहां तक जाएगा, वहां तक उसको रोक देते हैं। इसके लिए मंत्र सिद्धि आवश्यक है। ये आप देखो जरा, अब ये जो आप जरा चलाओ जरा, ये जो हमारा हल्का छोटा सा हवन यज्ञ हुआ था ध्यान आश्रम में अभी। ओम हुम ओम झुम ओम सम भुम भुवम स्व ओम त्रयंबकम् यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उरवारुकमिव वंदनान मृत्योरमुक्ष्यमामृतात् ओम स्वं भुवं भुवं सं झुम ओम हुम ओम स्वाहा ओम भुवं भुवं स्व ओम महं जनं तपं सत्यम् ओम तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ मा आपोर्ज्योतिरसुमृदं ब्रह्मम् ॐ भूर्भुवस्वरूम् स्वाहा। तो इसमें आपने देखा ना कि कैसे गूंज रही है मंत्रों की आवाज और कैसे कैसे मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। ये आप देखो, ये सब का सब ऐसे यज्ञों में, हवनों में फोटोएं खींची हुई हैं इन्होंने, और जो अभी मिनिस्टर साहब ने बात करी कि इसमें प्रकट होती हैं शक्तियां, प्रकट होती हैं, तो जिस देवों की बात करी उन्होंने शायद, तो अब वो ये देखो आप कैसे कैसे इसमें शक्तियां प्रकट हो रही हैं। अगर ये ना हो तो मंत्र नहीं है। अगर मंत्र से देव और देवी का शरीर प्रकट ना हो तो फिर वो मंत्र नहीं है, वो ऐसे ही कुछ शोर शराबा है। ये गाने सुन के सब मंत्रों का म्यूजिक के ऊपर बना के मंत्र नहीं होता है। श्री महामद मंत्र हो गया हुम झुम सा सा झुम हुम, उसका उल्टा और सीधा दोनों जोड़े जाते हैं आपस में, हुम झुम सा सा झुम हुम। तो ये जब तीन और ये तीन जोड़, शक्ति बीज कील, शक्ति बीज कील, हर चीज सृष्टि में उल्टी है। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, अंधकार है तो रोशनी है, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑलवेज। तो वैसे ही शक्ति बीज कील भी उसके दो पहलू होते हैं, इधर का और उधर का, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू मेक दैट वन मंत्र। तो जब मंत्र का उच्चारण गुरु देते हैं तो फिर वो मंत्र सिद्ध होता है, फिर वो मंत्र कभी खाली नहीं जा सकता। ये बात आप मेरी नोट कर लें, वो मंत्र जो है फिर खाली नहीं जा सकता अगर गुरु ने मंत्र दिया है। अगर आपने यहीं से कहीं से सुन के उसको बोलना शुरू कर दिया है तो आपको ये देखना है कि जिसने मंत्र दिया है उसका भाव क्या था, क्या उसका कमर्शियल भाव था, इससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, अब मेरे इतने बिकेंगी सीडीज, अब मेरा इतने लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे मंत्र सुनेंगे तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे। अगर वो भाव है तो मंत्र का दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर भाव सात्विक है तो मंत्र का सत प्रभाव पड़ेगा, फिर मंत्र जो सत्य होगा, सत्य होगा, वो फलित होगा। ऐसे नहीं, और मंत्र कभी खाली नहीं जा सकते, इतना मैं आपको बता दूं। क्या रामायण और महाभारत काल्पनिक कथाएं हैं? अगर नहीं तो उनके कुछ अवशेष तो होंगे, उन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है? रामायण और महाभारत काल्पनिक नहीं है, ये भारत का इतिहास है।
अब तो गुजरात के पश्चिमी छोर पे द्वारका और श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु के प्रमाण सबसे सामने हैं। भारत के हर प्रांत में हमें किसी ना किसी रूप में इतिहास के प्रमाण मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे, और हमारी सरकार की यही कोशिश रहेगी कि हम उनका संरक्षण कर अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, जिससे वे ये ना पूछे कि ये इतिहास है या मिथ्या। धन्यवाद मंत्री जी, आपने बताया कि हमारे ग्रंथ इतिहास बयां करते हैं। योगी जी, आपका इस पर क्या विचार है? तुमको स्कूल में जरूर पढ़ाया होगा ये कि ये सब मिथोलॉजी है। अभी वर्ड मिथोलॉजी, लाइक ग्रीक मिथोलॉजी, इट्स अ मिथ। द वर्ड मिथोलॉजी कम्स फ्रॉम मिथ, बट दीज आर नॉट मिथ्स। ये जो होती है ये कहानियां नहीं है, ये फेरी टेल्स नहीं है, ये भारत का इतिहास है, जैसे अभी आपने सुना। और ये सरकार कर रही है, काफी कुछ कर रही है इस इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए। राम सेतु के बारे में बताया, द्वारका के बारे में बताया। द्वारका के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वहां पे डिस्कवरी चैनल जब गई थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इसको इस तथ्य को वेरीफाई भी कर सकते हो कि जिस हिसाब से वो स्टोन्स हैं, जो फाउंडेशन स्टोन्स उनको वहां मिले थे, जो परफेक्ट द वे दे वर परफेक्टली कट, जैसे कटे हुए थे, दे कुड नॉट हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस, इंसान ने नहीं बनाए होंगे। और यही हमारे शास्त्र बोलते हैं कि द्वारका जो है गुजरात के कोस्ट पे थोड़ा आगे 2-3 किलोमीटर जाके वो मिलती है, अगर वहां पे समुद्र भी नीचे जाओ तो, विश्वकर्मा ने बनाई थी, जो एक देव थे, देवों के आर्किटेक्ट थे वो, इंसान ने नहीं बनाई थी वो। तो वही बात अब मॉडर्न लोग बोल रहे हैं, मॉडर्न साइंस भी बोल रही है, कुड नॉट हैव बीन कट, दिस काइंड ऑफ कटिंग्स आर नॉट पॉसिबल टू बी डन बाय द ह्यूमन हैंड, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी रही होगी उसके लिए। ये राम सेतु, और ये तो अलग ही बात होगी, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, ये तो दिख ही रहा है सामने, ये हमारे देश की हिस्ट्री है। और ये हिस्ट्री इतनी डिटेल्ड है, हर इवेंट इतना डिटेल्ड है, उसका साक्षी है, उसका प्रमाण है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं महाभारत का, तो कुरुक्षेत्र के पास एक ऐसी जगह है, एक झील है वहां पे, जहां पे कर्ण का रथ फंसा था, रथ का पहिया, आज भी वहां पे गहरा खड्डा बना हुआ है। और तुम कह सकते हो कि खड्डा तो कहीं भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, मगर जो महाभारत के समय के जो तथ्य हैं वो ऐसे ही नहीं हो सकते, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति होती है। अब वहां क्या शक्ति है, जब बहुत बारिशें होती हैं या नदी ओवरफ्लो कर जाती है और वो जब पानी झील का उठ जाता है ऊपर, आसपास सब डूब जाता है, वो खड्डा कभी नहीं भरता, जाके देख के आओ, वो खड्डा कभी नहीं भरता। वैसे ही लाक्षाग्रह, अभी भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने लाक्षाग्रह के बारे में बताया हुआ है, एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है उसको आइडेंटिफाई करा हुआ है कि ये लाक्षाग्रह है। तुम जान फाउंडेशन की वेबसाइट खोलो, तुमको एग्जैक्ट स्पॉट जगह मिल जाएगी कहाँ है ये, जहां पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी कौरवों द्वारा, इट्स एग्जिस्टिंग, साफ लिखा हुआ है वो लाक्षाग्रह है। वैसे ही हर छोटे से छोटी चीज, पांडवों ने अपने अस्त्र कहाँ छुपाए थे, किस पेड़ पे, विराट नगर के पास राजस्थान में, अगर तुम आगे जाओ तो दिल्ली से बाई तरफ वो जगह भी है, वो पेड़ भी है, और वहां पे सब जानते हैं आसपास कि ये वो पेड़ था। अब ये नहीं कि कहानी है कि इस कोने में एक कह रहा है कि नहीं ये पेड़ यहाँ है, दूसरे कोने में कह रहा है कि पेड़ वहां है, तीसरे में कह रहा है कि पेड़ यहाँ है, नहीं, वो एक ही जगह करण का रथ फंसा था, वही जगह है, एक ही जगह वो पेड़ है, वही जगह है। एक छोटा सा प्रमाण और लो, पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ। तो ये जो है प्रस्थ का शब्द क्या हुआ,
पांचवा पद किया तिल प्रस्थ। ये प्रस्थ प्रस्थ क्या है, अब कहां है? तुम देखो तिलपत, सोनीपत, पानीपत, ये बागपत प्रस्थ का पथ बन गया। वो भी अभी भी पांचों गांव हैं एक के बाद एक लाइन में, अगर तुम निकल जाओ तो वही सारे प्रस्थ और पथ के नाम से हैं। तो मैं बोलने जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर तुम्हारे को कम से कम नहीं तो एक हफ्ते का कॉन्स्टेंट लेक्चर दे सकता हूं हमारे इतिहास के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से योगा डे है आज, इससे साबित थक गए होंगे। तो हमको इसको इतिहास मानना है भारत का, और ये इतिहास ही है। छोटे से छोटे इवेंट मुझे आप बताओ, मैं आपको जगह ले जाऊंगा और वो दिखा दूंगा वहां पे कि ये रही वो जगह। इज नॉट मिथ्स, इट्स नॉट मिथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। बट फॉर सिविलाइज पीपल, अनसिविलाइज लोग अगर ये बोले ये तो मिथोलॉजी है, तो जैसे रोमन्स अनसिविलाइज हुआ करते थे, ग्रीक्स अनसिविलाइज हुआ करते थे, मार काट के सिवाय कुछ होता नहीं था, जो पुरानी बारबेरिक सोसाइटीज थी, हंस हुआ करते थे, नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करती थी, तरह तरह की, सिवाय इस देश के, सिवाय भारतवर्ष के आसपास सब नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करती थी। उनको अगर आप बोलोगे समझाओगे तो वो तो इस सबको मिथ्या ही बोलेंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। आओ कभी, लेके चलते हैं तुम्हारे को इन स्थानों पर। और आप सब जो ये देख भी रहे हैं, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम, हम आए आपको इन स्थानों के पे लेके चलते हैं। जब नेक्स्ट हमारी रिसर्च की टीम जाएगी, जैसे हमने श्रीलंका में करी थी सिग्रिया रॉक्स के ऊपर के रावण का एयरड्रोम था, हमने प्रूफ किया वहां जाके, जैसे पहाड़ों में जाके हमने कई पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं पे जाके हमने प्रूफ किया यहाँ ऋषि मुनियों की गुफा थी, यहाँ क्या था, स्टोनहेंज गए वहां प्रूफ किया वहां क्या था, वैसे इन सब जगहों पे जाके आपको प्रूफ करके बताएंगे कि सब क्या था, इट्स हिस्ट्री। Thank you, Yogi ji. Thank you, Honorable Minister sir. Thank you very much for joining us. आदरणीय मंत्री जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमसे ज्ञान गंगा के इस अंक में जुड़े। हर हर महादेव।